से बोलता हूँ कि जब सैनिक रिटायर होता है तो उनको जो है वहीं पर ही गोली मार दो, क्योंकि अब वो किसी काम का रहा नहीं, मुफ्त में खा रहा है। आपके नेता लोग भी बोलते हैं सर सरकार हमारी बात सुनेगी और आवाज ऊपर तक हमारी जा चुकी है। अभी गवर्नर साहब ने आश्वासन दे रखा है कि आपकी जो है मांगों पर सुनवाई होगी। 13-14 तारीख हो गई है, अभी भी हमने जो है सरकार को टाइम दे रहे हैं 31 दिसंबर तक का। 31 दिसंबर के बाद हम 1 तारीख को जो है कई जगह रेल रोको आंदोलन करेंगे। 11 के लिए तो हमने परमिशन बता ही रखा है, 11 तारीख के लिए हमने जो है पूरी परमिशन दे रखी है कि भाई कहां कहां पर कैसे करेंगे। उसके बाद जो है 1 जनवरी 2024 को काला दिवस भी मनाएंगे और रेल रोको आंदोलन भी करेंगे। यदि उसके बाद भी सरकार हमारी संगतियां दूर नहीं करती है तो हम हर एक सैनिक पूर्व सैनिक को ये आगाह करेंगे कि एक एक पोस्ट लेटर लिख करके 5 रुपए का जो पोस्ट कार्ड आता है उस पर अपने अपने वोटो को लिख करके परिवार के हिसाब से उस पर डालकर जंतर मंतर को पोस्ट करें, ताकि हम ये बता सके कि इस आने वाली सरकार के लिए हम कितनी वोट बैंक को चोट दे सकते हैं। एक परिवार से जैसे मैं हूँ, मेरे परिवार से ही सिर्फ बता रहा हूँ कि 19 वोटें जाती हैं। उस 19 वोट के हिसाब से आप देख लीजिए कि सरकार को कितनी वोटें जा सकती हैं। हर एक सैनिक भूतपूर्व सैनिक से मेरी यही गुजारिश होगी कि आने वाला कदम हमारा ये होगा कि उस वोट बैंक को हम इकट्ठा करके यहाँ रखेंगे कार्डों के हिसाब से, और सरकार को दिखाएंगे कि इतना वोट जो है वो हमारा सैनिकों का होगा आपके खिलाफ। मैं अपने ईवीएम मशीन नहीं है, लेकिन उसी कार्ड से तो हम ईवीएम मशीन को बताएंगे कि हमारी इतनी वोटें नहीं जाएंगी आपको, नहीं जाएगी, और जाएगी तो उस पार्टी को जाएगी जो हमें रिटर्न में देगा कि हम आपकी ये संगतियां दूर करेंगे। और केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी ये संगतियां जो है, हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं है, आपको मैं हर बार बताता हूँ कि हमारी सिर्फ ये 3 जजों की कमेटी की मांग है। 3 जज जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हैं, उनकी कमेटी बैठा दी जाए ताकि वो हमारी संगतियों को दूर कर दे और दूध का दूध पानी पानी कर दे। हम यहाँ से उठकर भी चले जाएंगे और सरकार का शुक्र गुजार भी करेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। नहीं, हम ये नहीं बताएंगे कि कहाँ रोक रहे हैं, ये तो हमने पहले ही एक धोखा खा चुके हैं जो कि नई दिल्ली स्टेशन पर हमने ऐलान किया था। उस स्टेशन को सरकार ने छावनी में तब्दील कर दिया, जिससे हमें यही पता लगता है कि सरकार जो है हमारे पक्ष में है ही नहीं, हमारी पार्टियों को सुनना नहीं चाहती है। हमें तो सरकार ने भेड़ बकरियों की तरह रखा हुआ है कि सैनिक जो है अपनी बात को ऐसी बकवास करते हैं चले जाते हैं। तो मैं तो सरकार से बोलता हूँ कि जब सैनिक रिटायर होता है तो उनको जो है वहीं पर ही गोली मार दो, क्योंकि अब वो किसी काम का रहा नहीं, मुफ्त में खा रहा है। आपके नेता लोग भी बोलते हैं कि ये तो खाली तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सरकार को बोला उनको गोली मार देंगे, ना रहेगा बांस ना जब बजेगी बांसुरी, या ना हम धरना देंगे ना आपके पास हाथ जोड़ेंगे, बस धन्यवाद, भारत माता की जय। गवर्नमेंट आपको क्यों रोकने देगी, आपने तो जबरदस्ती रोकना चाहिए ना, जबरदस्ती रोकना चाहिए तो स्ट्रेंथ बुलाओ अपनी। नहीं, स्ट्रेंथ की क्या जरूरत है, अगर सरकार को गोली मारनी है तो रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट मार, हाँ ट्रेन रोकने के लिए हम पूरे देशवासियों से बता रहे हैं कि हम जिस दिन ट्रेन रोकेंगे आपको सूचित करेंगे, आप कृपया अपना मूवमेंट जो होगा अपने यातायात को जरा इधर से उसको स्थानीन कर लेना दिनांक के अनुसार, ट्रेन रोको में असुविधा होगी आपको, इसलिए हम सभी देशवासियों को सचेत करेंगे कि हम किस दिन हम ट्रेन रोकेंगे और ट्रेन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोकेंगे। पूरे हिंदुस्तान में होगा आंदोलन, उसका दिनांक आपको उसके दिन आपको बता दिया जाएगा, आप लोगों को इसके बारे में सूचित करेंगे कि हम किधर किधर ट्रेन रोकेंगे, ये नहीं बताएंगे कहाँ किस दिन, दिन की सूचना आप जरूर देंगे देशवासियों को, क्योंकि उनको कोई उससे असुविधा ना हो। हमारा सरकार से यह अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द हमारे जो डिमांड है 3 जजों की, जुडिशियल जज जो है रिटायर्ड जजों की, उसकी एक मीटिंग करें और कमेटी बनाएं और उसके बारे में जो 70,000-90,000 करोड़ की घोषणा है उसका विवरण हमारे सैनिकों को दें,
कि कितना कितना किसको दे दिया। तो हमारी कोई ज्यादा से जो आवरण है उसका जो ऑडिटिंग इंग्लिश में ऑडिटिंग किया था उसको करके जज बताएंगे जो सैनिकों को स्वच्छता को कि इतना पैसा कहाँ गया।